मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है दो आदमी बैठे हैं, एक का नाम जॉन रहता है और दूसरे का नाम टॉम रहता है, और वो दोनों वेट कर रहे होते हैं गैंगस्टर एरिया में घुसने के लिए। और फाइनल कॉल के बाद वो अपने गन प्रिपेयर करके एक पोर्ट पे एंट्री लेते हैं, जहाँ देखते हैं कि कुछ लोग मरे पड़े हैं और एक बुलेट जो किसी रोग नाम के आदमी का बुलेट सिग्नेचर गिरा रहता है। और वैसे ही टॉम अंदर जाता है जहाँ जॉन उसे मना कर है, पर टॉम जॉन की ना सुनकर अंदर जाता है तो देखता है कि कोई अंदर किसी को मार रहा होता है। तभी टॉम गन फायर करता है और वैसे ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां वो सबको मारता है पर एक गोली जॉन को भी लग जाती है। और जब वो आदमी मारने वाला रहता है जॉन को, तो टॉम आके उसे गोली मारता है, जिससे वो आदमी वही पानी में कूद जाता है। और फिर दोनों उसी रोग नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वहां से ले जाते हैं। फिर टॉम को जॉन से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां दोनों में अपने छुट्टी को लेकर बात होती है और फिर रोग के बारे में। वैसे ही फिर दिखाया जाता है टॉम के घर के बाहर एक आदमी को, जहां वो मास्क पहने आता है। और जब तक टॉम बाथ लेने जाता है, तब कुछ काम से जब डोर खोलता है तो वैसे ही वो मास्क वाला आदमी टॉम को एक गोली मारता है और उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ टॉम की वाइफ और बेटी रहती है। और टॉम के सामने उन सबको वो आदमी मार देता है। और जब जॉन अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता है टॉम के घर, तो देखता है कि पुलिस वहाँ खड़ी है। और फिर वो अंदर जाता है और बॉडी देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर घर के अंदर जाके सबूत ढूंढता है, जहाँ उसे वही बुलेट फिर से मिलता है। तब एक ऑफिसर आके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो बाहर आके उस बुलेट को देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पब के बाहर उसी रोग नाम के आदमी को दिखाया जाता है और वो अंदर जाके शिरो जो याकुजा रहता है उसके आदमी को मारता है। जब उनमें से एक कहता है मरने से पहले रोग से कि तुम्हें तो पता ही है शिरो गद्दारों के साथ क्या करता है, और फिर पुलिस को वहां इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जॉन अपने आदमी के साथ आता है। एक का नाम विक रहता है और दूसरे का नाम गोई रहता है। फिर जॉन याकुजा के आदमी से पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता है। तभी वहाँ फिर जॉन को वही टाइटेनियम की बुलेट मिलती है, जो उसे अपने दोस्त टॉम के यहाँ मिला होता है। उसके बाद जॉन को अपनी वाइफ जेनी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो जॉन से कहती है रोग को ढूंढने के चलते अपने बेटे को मत खो देना। फिर जॉन को अपने आदमी के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है शिरो और चैंग के बारे में। उसके बाद रोग को तैयारी करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो तैयार होके चैंग से मिलने जाता है और चैंग उसे विश करता है उसका साथ देने के लिए शिरो को छोड़ के, और किसी हॉर्सेस के बारे में बात करता है, जहां रोग कहता है हॉर्सेस उससे मिल जाएंगे। तब चैंग अपने आदमियों से मिलता है जो रोग की मदद करेगा, और रोग के जाने के बाद चैंग कहता है अपने आदमियों से कि इस पे नजर रखना। फिर शिरो को दिखाया जाता है जहाँ वो कटाना से प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब उसकी बेटी आती है तो वो उसे सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहता है। फिर जॉन को एक बेनी नाम के आदमी से मिलते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं और बेनी जॉन का इनफॉर्मर भी रहता है, और वो उसे रोग के बारे में कुछ जानकारी देता है, जहाँ जॉन को पता चलता है रोग ने फेस चेंज किया है सर्जरी के मदद से, पर चेंज करने वाले मरे पाए गए हैं। उसके बाद रोग को टी ब्रदर से मिलते हुए दिखाया जाता है और वो एक पुलिस वाले को पैसा दे रहा होता है। उसके बाद शिरो के लोगों को दिखाया जाता है, जहां वो हॉर्सेस को लेके जा रहे होते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और शिरो के आदमी को एक कतार में खड़ा कर देते हैं, जहाँ टी ब्रदर्स रोग के कहने पे उसे मार देते हैं और वो ट्रक लेके चले जाते हैं। और फिर रोग को उन हॉर्सेस को देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो टी ब्रदर्स को
दिखा के अपने पास उसे रख लेता है। फिर चैंग एक लड़की के हाथों से पैसा भेजता है और वो लड़की उसकी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। फिर जॉन को उसी साइट पर दिखाया जाता है जहाँ सिरों के आदमी मरे पड़े रहते हैं और वो सिचुएशन देख कर कहता है इनके साथ पुलिस भी मिली हुई हो सकती है। तभी जॉन को एक रेस्टोरेंट में आते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो पुलिस वाला बैठा होता है। उसे पकड़ कर जॉन वॉशरूम में ले जाके पूछता है एक गन दिखा के, तो वो कहता है रोग ने उसे मजबूर किया होता है फैमिली के बारे में धमकी दे के। फिर जब उसे पकड़ कर लेके जा रहे होते हैं तभी एक गोली उसे लग जाती है जहाँ वो पुलिस वाला मर जाता है और जॉन भागता है रो को पकड़ने के लिए पर वो नहीं पकड़ पाता है। उसके बाद शीरो की बेटी किरा को सैन फ्रांसिस्को का चार्ज लेते दिखाया जाता है। फिर रोग जॉन को चेंग की गोडाउन चेक करने के लिए सलाह देता है। फिर जॉन को चेंग के पास आते दिखाया जाता है जहां वो उसके गोडाउन खोलने के लिए कहता है और फिर जॉन को रोग दिखता है। तभी वो उसे अपने दोस्त टॉम के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है जहां विक आकर कहता है अभी जाने देते हैं क्योंकि वहां कुछ मिलता नहीं है। फिर जॉन वहां से चला जाता है और उसके बाद रोग को चेंग के घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो उसे पूछ रहा होता है कि हॉर्सेस सेफ है ना, तो वो कहता है हाँ। और फिर चेंग रोग को कहता है कुछ दिन वहीं रहने के लिए और दूसरी ओर जॉन रोग को खोज रहा होता है। तभी टी के छोटे भाई को अपने आदमियों के साथ दिखाया जाता है। तभी शेरों के गैंग का एक आदमी आता है और उसे उकसाता है जहां वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है और जा पहुंचता है शेरों के आदमियों के पास जहां उनमें लड़ाई होती है और वैसे ही वो बाइक वाला आके गोली से सबको मार देता है। वो और कोई नहीं रोग रहता है और वो टी के छोटे भाई को भगा के मारता है। उसके बाद जॉन को क्राइम सीन पे दिखाया जाता है जहां वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि वॉर के लिए तैयार रहे। उसके बाद रोग को चेंग के रूम के बाहर खड़े होते हुए दिखाया जाता है जहां चेंग टी को समझा रहा होता है कि वो अपने भाई के मर्डर के लिए कोई एक्शन अभी ना ले। उसके बाद गोई को एक विंडो से बाहर देखते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो शीरो के आदमियों पे नजर रखे हुए होता है। वो सब डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ दूसरी ओर वेग भी देखता है कि टी के कुछ लोग पहुंचते हैं वहाँ और वैसे ही जॉन को कॉल आते हुए दिखाया जाता है जहाँ कोई उस सिचुएशन की जानकारी दे रहा होता है। पर जब तक टी अपने आदमियों के साथ अंदर आके फायरिंग स्टार्ट कर देता है और सिरो के सारे लोगों को मार देता है तभी वेग भी गोली चलाने लगता है बाहर में फायरिंग होता देख। और तभी टी को अपने भाई के लिए सिरो के आदमी को मारते हुए दिखाया जाता है। तभी जॉन भी आके फायरिंग स्टार्ट कर देता है और फिर जॉन सहित पूरी टीम अंदर जाती है और वहाँ के सारे लोग को पकड़ लेती है। पर जब वो उन्हें बाहर लेके आ रही होती है तो वैसे ही उन पे गोली चलती है। तभी जॉन कहता है गोई को देखने के लिए। तभी गोई देख के उसे गोली मारता है पर वो बच जाता है और उतने में ही टी पुलिस वालों को मारने लगता है। तो जॉन टी को पकड़ता है पर वैसे ही शीरो का आदमी एक गोली चलाता है जो वेग को लग जाता है और तभी जॉन शीरो के आदमी को मार देता है। पर जब तक टी भाग जाता है और जब जॉन वहां से बाहर आता है तो रोग को भागता देख उसके पीछे जाता है जहां रोग उसे चकमा देकर भाग जाता है और जॉन गाड़ी से बाहर आके देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चैंग को रोग का कॉल आते हुए दिखाया जाता है जहां वो टी के बारे में बताता है। तभी फैसला करता है उसे मारने का। उसके बाद रोग को शीरो की बेटी के पास दिखाया जाता है जहां किरा कह रही होती है चैंग को मारने के बाद उसके फैमिली को मारने के लिए और कुछ आदमी भी देती है और कहती है ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसके बाद एक एयर नाम का आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस से छुप कर रह रहा होता है क्योंकि उसने रोग का फेस सर्जरी किया होता है। पर जब वो अपने रूम में एंटर होता है तो देखता है कि जॉन और बेनी वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं और फिर रोग का चेहरा देख कंफर्म करता है ये इसी का ही चेहरा है। पर वो जॉन की मदद नहीं करना चाहता है। तभी जॉन उसे कहता है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा पर वो कहता है तुम उसे नहीं जानते। तभी बेनी कहता है हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। और फिर चेंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां टी गन ताने चेंग के पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है और एक गोली चेंग को मारता है पर वैसे ही रोग आके उसे मारता है और तभी चेंग उसे गोली मार देता है और कहता है यही मेरा दोस्त था। और रोग कहता है सही का यही तुम्हारा दोस्त था और चेंग को भी गोली मार देता है। और फिर उसकी वाइफ और बेटी के पास जाता है और बाहर
खड़े शेरों के लोग दो गोलियों की आवाज सुनते हैं और फिर रोक को बाहर आके कहते हुए दिखाया जाता है। जब वो उसकी सर मांगते हैं पर वैसे ही रोक उन्हें मार देता है और चेन की वाइफ को एक गाड़ी में बैठा कर उसकी बेटी के साथ वहाँ से भेज देता है। फिर जॉन को पता चलता है कि शेरों कैलिफोर्निया में लैंड हुआ है और फिर शेरों को अपने अड्डे पर आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जॉन भी अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और उसे रोक की कुछ फोटो दिखाता है, जहाँ वो चैंग की वाइफ को बचा रहा होता है। और रोक को शेरों के पास आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे हॉर्सेज उसके हवाले करता है। तभी शेरों चैंग की फैमिली के बारे में पूछता है, तभी रोक बताने से मना कर देता है। तो शेरों कहता है अपने आदमियों से इसे नीचे ले जाके मार दो, और वो उसे नीचे ले जाते हैं। और दूसरी ओर शेरो हॉर्सेस चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो नकली है, और जहां रोग शेरो के आदमी को मार रहा होता है और एक बटन प्रेस कर ब्लास्ट करवाता है, जहां शेरो रोग से पूछने आ ही रहा होता है वैसे ही गिर जाता है। और उसके बाद शेरो और रोग में लड़ाई होती है, जहाँ शेरो को शॉक लगता है कि जो रोग है वो टॉम ही है, और जो आदमी शेरो ने टॉम को मारने के लिए भेजा होता है टॉम उसे मार उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ और बेटी का बदला लेना होता है। और फिर शेरो भी एक सीक्रेट बताता है कि जॉन भी उसे मिला होता है और उसी ने टॉम का पता बताया होता है, पर रोग इस पे विश्वास नहीं करता है और उसे मार देता है। जहाँ दूसरी ओर चैंग की वाइफ को एक हॉर्स भेजता है लेटर के साथ, जिसमें लिखा होता है नई शुरुआत करने के लिए, और हीरा को भी एक लेटर भेजता है जिसमें शेरो का सर होता है। उसके बाद जॉन को रोग का कॉल आते दिखाया जाता है, जहां उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जॉन को रोग से मिलने के लिए वहां आते दिखाया जाता है, जहां दोनों में आमना सामना होने पे लड़ाई होती है, और लड़ते लड़ते रोग अपने टॉम होने का बात बताता है। और तब जाके जब जॉन को यकीन होता है तो टॉम उसे कंफर्म करता है क्या वो शामिल था शेरो के साथ, और जब जॉन ये कबूल कर लेता है तब टॉम जॉन को गोली मारने वाला रहता है। तभी जॉन देता है उसके स्नाइपर उसे गोली मारने वाले रहते हैं, तो वैसे ही वो उसे बचा लेता है, पर टॉम उसे गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर टॉम को हॉर्सेस के साथ अपनी गाड़ी से जाते हुए दिखाया जाता है, और वही मूवी का द एंड हो जाता है।